जय हिंद दोस्तों। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने श्रीलंका के फरकच्चे उड़ा के 3-0 से सीरीज पर कब्जा कर लिया है। अब न्यूजीलैंड टीम को तहस नहस करने के लिए कोच राहुल द्रविड़ ने पहले वनडे मुकाबले के लिए 11 भूखे शेरों का ऐलान कर दिया है और इस बार तो ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को पहले वनडे मुकाबले के लिए टीम में जगह दिया है कि जिसे देखकर न्यूजीलैंड टीम के पसीने ही छूट गए हैं। दोस्तों बताएंगे आपको न्यूजीलैंड को पहले वनडे मुकाबले में कुचलने के लिए कोच राहुल द्रविड़ ने किन 11 भूखे शेरों को पहले वनडे मुकाबले के लिए ऐलान किया है। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा और टीम सऊदी में कौन बेहतर कप्तान है? कमेंट कर अपनी कीमती राय अवश्य दें। जैसा कि दोस्तों हम सभी को उम्मीद थी कि भारतीय टीम श्रीलंकाई टीम के फरकच्चे उड़ा के सीरीज पर कब्जा करेगी, ठीक वैसे ही देखने को हमें मिला। सबसे पहले हार्दिक पांड्या की कप्तानी के में युवा टीम ने T20 सीरीज 2-1 से अपने नाम किया। इसके बाद 3-0 से श्रीलंकाई टीम के फरकच्चे उड़ा के सीरीज में कब्जा कर लिया। इसमें सीनियर व युवा खिलाड़ी दोनों शामिल थे। दोस्तों भारतीय टीम ने श्रीलंका टीम में से तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में 317 रनों से हराकर इतिहास ही रच दिया है, जिसे श्रीलंकाई टीम व खिलाड़ी कभी नहीं भूलेंगे। इससे भारतीय टीम का मनोबल सातवें आसमान पर है। इन सभी में सबसे बड़ा योगदान रहा किंग कोहली का, जिन्होंने यह दिखा दिया कि अभी भी वो वैसे ही अंदाज में बल्लेबाजी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली ने 166 रनों की नाबाद पारी खेली। वहीं सुमन गिल ने शतक जड़कर यह दिखा दिया कि वनडे टीम में अब उनकी जगह लगभग पक्की ही है। वहीं मोहम्मद सिराज ने तो जसप्रीत बुमराह की कमी को ही दूर कर दिया और हमारी भारतीय टीम के गेंदबाजी में काफी सुधार आया है, जो आगे आने वाले वर्ल्ड कप में काम आने वाला है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, श्रीलंका टीम से कहीं ज्यादा मजबूत टीम है न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की टीम में हर बड़े टूर्नामेंट में भारत को हराया है, फिर चाहे वो वनडे वर्ल्ड कप 2019 सेमीफाइनल हो या फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन फाइनल हो, सब जगह भारत को मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन दोस्तों अब समय बदल गया है। अब हमारी भारतीय टीम वो टीम नहीं रही जो न्यूजीलैंड से हार जाए। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड में जाकर हार्दिक पांड्या की कप्तानी में युवा टीम ने T20 सीरीज में न्यूजीलैंड को हराया था। भले ही वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन जिस तरीके से हमारी भारतीय टीम ने श्रीलंका टीम को कुचला है, जिसे देखकर न्यूजीलैंड की टीम में दहशत का माहौल है। कप्तान रोहित शर्मा को न्यूजीलैंड की टीम को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम भारतीय टीम को पूरा टक्कर देने वाली है। इसलिए कोच राहुल द्रविड़ ने पहले वनडे मुकाबले के लिए सिर्फ विस्फोटक और खतरनाक खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में जगह दी है, जिससे न्यूजीलैंड की टीम को पहले वनडे में हराकर सीरीज में दबदबा बना सके। दोस्तों बात करें भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले सभी मैचों का विवरण, तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत 18 जनवरी से होगी। यह वनडे मुकाबला हैदराबाद में खेला जाएगा, जबकि दूसरा वनडे 21 जनवरी को रायपुर में खेला जाएगा और तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला 24 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा। वहीं भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत 27 जनवरी से होगी। पहला T20 मुकाबला 27 जनवरी को रांची में खेला जाएगा, वहीं दूसरा T20 मुकाबला 29 जनवरी को लखनऊ में खेला जाएगा और तीसरा और आखिरी T20 मुकाबला 1 फरवरी को अहमदाबाद में खेला जाएगा। दोस्तों अब बात करें कि वनडे और T20 सीरीज के सभी मैच आप कहां देख सकते हैं, तो ये सभी मुकाबले आप स्टार स्पोर्ट के चैनलों में देख सकते हैं। वहीं DD स्पोर्ट पर आप बिल्कुल फ्री में मैच का आनंद उठा सकते हैं। इसके साथ ही आप डिजनी प्लस हॉटस्टार ऐप पर भी देख सकते हैं। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मुकाबले भारतीय समय अनुसार 1:30 से खेले जाएंगे और टॉस 1 बजे होंगे। दोस्तों अब आपको बताते हैं कोच राहुल द्रविड़ ने पहले वनडे मुकाबले के लिए किन 11 भूखे शेरों को प्लेइंग 11 में जगह दी है। तो दोस्तों आपको बता दें, ओपनिंग में कप्तान रोहित शर्मा के साथ सुमन गिल ही खेलते हुए
और पारी की शुरुआत करते नजर आएंगे। दोस्तों, ओपनिंग में श्रीलंका के खिलाफ कप्तान रोहित शर्मा व सुमन गिल की जोड़ी हिट रही है और श्रीलंका के खिलाफ सुमन गिल व शानदार शतक ठोका था, वहीं रोहित शर्मा ने भी अच्छा साथ दिया था। इसीलिए कोच राहुल द्रविड़ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में सुमन गिल को प्लेइंग 11 में जगह दी है। वहीं दोस्तों, तीसरे नंबर की बात करें तो किंग कोहली ही खेलते हुए नजर आएंगे। कोहली लगातार शतक पे शतक मारे जा रहे हैं, ये देखकर लग रहा है कि इस सीरीज में भी एक या दो शतक देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों, चौथे नंबर की बात करें तो कोच राहुल द्रविड़ ने सूर्य कुमार यादव को मौका दिया है। राहुल द्रविड़ ने हिटर के तौर पर सूर्य कुमार यादव को प्लेइंग 11 में जगह दी है। दोस्तों, सूर्या को वनडे सीरीज में भी कुछ धमाल करना होगा, नहीं तो मौका ज्यादा नहीं मिल पाएगा, जिससे वनडे टीम में जगह पक्की हो जाए। वहीं दोस्तों, पांचवें नंबर पर ईशान किशन खेलते हुए नजर आएंगे, जो बांग्लादेश के खिलाफ सबसे तेज दोहरा शतक ठोक कर इतिहास ही रच दिया था। इसलिए कोच राहुल द्रविड़ ने ईशान किशन को मौका दिया है। वहीं दोस्तों, छठवें नंबर पर उप कप्तान हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी व गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हार्दिक एक विस्फोटक बल्लेबाज है जो अकेले दम पर मैच पलट सकते हैं। ऐसे में हर भारतीय फैंस को पांड्या से उम्मीद है कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के फरकच्चे उड़ाते नजर आएंगे। वहीं दोस्तों, सातवें नंबर की बात करें तो वंशीकटन सुंदर को मौका दिया है, जिन्होंने न्यूजीलैंड में जाकर न्यूजीलैंड की को कूटा था और अच्छी गेंदबाजी भी कराई। इसी को देखते हुए कोच राहुल द्रविड़ ने प्लेइंग 11 में जगह दी है। वहीं दोस्तों, स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो आठवें नंबर पर कुलदीप यादव खेलते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से श्रीलंका टीम को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब यही जलवा न्यूजीलैंड के खिलाफ दिखाएंगे। दोस्तों, वहीं तेज गेंदबाजी की बात करें तो मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक ही खेलते हुए नजर आएंगे। ये तीनों गेंदबाजों ने श्रीलंका टीम को बर्बाद कर दिया, खासतौर पर मोहम्मद सिराज तो पीछे ही पड़ गए और श्रीलंका टीम को तहस नहस कर दिया। दोस्तों, इस सीरीज से केएल राहुल व अक्षर पटेल और अभी हाल ही में श्रेयस अय्यर बैक इंजरी के कारण टीम से बाहर हो गए हैं और केएल राहुल और अक्षर पटेल को आराम दिया गया है निजी कारणों का हवाला देते हुए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।